नेवर दैट सिंगल बुक केम, उसके साथ 10-20 बुक और आती हैं, सर ये भी देख लो, ये भी बहुत बढ़िया है, अरे भाई इसकी जरूरत नहीं, नहीं नहीं जरूरत पड़ सकती, देख ले आप, देख ले क्या. एंड इनवॉलंटरली वी एंड अप परचेजिंग 2-3 मोर. ये मार्केटिंग है. फॉर्म इसीलिए भरवाया ना, वी नो वॉन्ट टू नो द परचेजर. ये परचेजर इस एरिया में इंटरेस्टेड है, लग जाओ पीछे, बेचो बेचो. दैट इज मेटा डेटा. नॉट ओनली बाय दिस सिस्टम द सेलर इज नोइंग योर वेयर अबाउट्स एंड हु इज माई जेन्युइन परचेजर. इट्स इजियर फॉर हिम टू क्रिएट अ डेटा दैट यू आर द वन हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो इट इज इजियर टू मार्केट. चीजें आपके पास मार्केट होने लगती है. नाउ मूविंग अहेड, दीज आर द टाइप्स एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑफ द DRM. वी मूव अहेड एंड वी गो टू एन एरिया विच इज नाउ फर्दर विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स. इट वॉज बींग फेल्ट दैट the conventional DRM methods may not be enough. So alternatives to DRM have been devised. There are alternatives to DRM. Kamal ki baat ye hai ki DRMs are still continuing and these new, because as I said, tangible property rights are still continuing. The intellectual property rights added. The moment intellectual property rights were added, DRMs were added. And the moments DRMs are there, they are all, whatever is there is continuing. They are here to stay. But these newer versions, they keep coming. And the alternative to DRM is the one that there is a lot which thinks that DRM की जरूरत ही क्या है. आप ओरिजिनल प्रोडक्ट को इतना चीप कर दो कि ये सब DRM वीआरएम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप देखिए, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने कहा कि स्टेशन के बाहर रिबॉक नाइकी मिलता है. हमारे रेलवे स्टेशन भी बड़े इनोवेटिव हैं. आप रेलवे स्टेशन के बाहर जाएंगे तो आपको हर नई मूवी की DVD अवेलेबल है. वो थिएटर में बाद में लग रही, इनके पास पहले. एक कंपनी है जिसने सोचा कि यार ये बढ़िया चीज है, ये मूवी को थिएटर में जाके देखता है आदमी. आजकल प्राइसेस भी टिकट्स के इतने ज्यादा हो गए हैं कि 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का एक. अब वो टब आप ले जाइए साहब, उसका पॉपकॉर्न. एंड मेनी टाइम्स आई फाउंड नो डिफरेंस बिटवीन दैट ठेले वाला पॉपकॉर्न एंड दिस पॉपकॉर्न. बट दैट 5 रुपीज पॉपकॉर्न हियर इज अवेलेबल बिकॉज आपको हम अंदर ले जाने नहीं देंगे. पानी भी चाहिए तो 100 रुपये की पानी की बॉटल लेना पड़ेगी. ये जब ऐसी चीजें होती हैं तो आदमी अल्टरनेटिव्स ढूंढता है. जब DRM भी कॉस्टली लगने लगता है तो आदमी सोचता है इसका अल्टरनेटिव निकालो. ओरिजिनल प्रोडक्ट तो इतना चीप कर दो कि DRM महंगा हो जाए. सो दैट इज एन अल्टरनेटिव टू DRM. एंड देर इज अ कंपनी हु स्टार्टेड मेकिंग दीज DVDs लीगली. तो पायरेसी वाली DVDs की जगह हम लीगल दे रहे हैं ना आपको, और वो पायरेसी के रेट पे ही दे रहे हैं. 100 रुपए की DVD, 50 रुपए की DVD. इट डिपेंड्स कि अगर पुरानी मूवी है तो 50 रुपए में ले जाओ, लेटेस्ट है तो 100 रुपए में ले जाओ. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दैट नेम ऑफ द कंपनी. अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट पेड मी टू एडवर्टाइज देम, अदरवाइज मैं भी बताता हूं. तो वो कॉपीराइटेड DRM वॉटरमार्किंग ट्रैकिंग ये सब करने की जगह प्रोडक्ट को इतना चीप कर दो कि आदमी खरीद के ही देखे.
क्यों पायरेटेड देखनी है सिनेमा जब ओरिजिनली चीप अवेलेबल है? बीच में डिमांड उठी थी कि सिनेमा थिएटर्स के रेट थोड़े कम कर दो, थिएटर्स विल बी फ्लडेड अगेन बिकॉज थिएटर्स टुडे हैव बिकम फॉर प्रिविलेज्ड फ्यू एंड आई डोंट काउंट माई सेल्फ इन दैट प्रिविलेज्ड फ्यू, इट्स वेरी कॉस्टली. मुझे तो अपना ही बचपन याद है जब 2 रुपए में सिनेमा के साथ समोसा भी खा के आते थे और साइकिल स्टैंड का पैसा भी दे देते थे, और जब लौट के आते थे तो माय मदर यूज्ड टू आस्क कितने पैसे बचे वापस करो. आज सोच के लगता 2 रुपए में वापस भी करते थे. यहां तो जुहू के सिग्नल पे अगर आप 2 रुपए देख के दिखाइए भिखारी को, वो ऐसे देखेगा 5 मुझसे ले जाओ भैया, खुश रहो 2 रुपए दे रहे हो. वी वर एट दैट टाइम. तो अगर ये मेथड अप्लाई करे कोई तो DRM की जरूरत नहीं. द ओरिजिनल प्रोडक्ट इज सो चीप एंड इजिली अवेलेबल दैट नोबडी विल ट्राई टू स्टील. अनदर वन इज क्राउड फंडिंग. नाउ दिस क्राउड फंडिंग कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय दीज गेमिंग सॉफ्टवेयर्स. गेमिंग सॉफ्टवेयर्स आप जानते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर गेम्स हैं. तो उन्होंने ये एक नया कंसेप्ट डेवलप किया ऑल्टरनेटिव टू DRM, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग. दैट इज अ सिस्टम वेयर दे स्टार्ट बुकिंग प्री ऑर्डर्स. यू वॉन्ट आवर गेम, प्लेस एन ऑर्डर. प्री ऑर्डरिंग से हमको पता चल गया कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, उतने ही प्रोडक्ट बनाओ. जब प्रोडक्ट ही उतने आ रहे हैं तो DRM की जरूरत क्या है? परचेजर्स की लिस्ट पहले ही है, उनको हम डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट इज थ्रू द क्राउड फंड्स. बिकॉज आपने बुकिंग की, बुकिंग अमाउंट पे किया, वी नो दैट दीज आर नंबर्स ऑफ परचेजर्स, दैट मेनी नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू देम. देयर इज नो नीड फॉर DRM. This Double Fine Adventure is one of the example of that crowdfunding system. The next is AFV. That is called a system where artistic freedom voucher is issued. इस system में जो भी creator है वो अपने आप को government से register करता है. Now he is a registered artist. And the consumer who wants to utilize his creation is given a credit point. Because this was introduced in US, so it is basically $100 एक sample है. उसको वो credit point मिल गया, वो credit point he has to transfer to the artist after going through that software. तो वो किस artist को कितने क्रेडिट्स देना चाहता है, जैसे एक फिल्म है, उस फिल्म में फोटोग्राफी भी है, स्क्रिप्ट भी है, म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, डायलॉग्स भी हैं, और आपको उसके 2 पोर्शंस 3 पोर्शंस ये अच्छे लग रहे हैं, फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो आपने वो $100 को 2 में डिवाइड करके फोटोग्राफर और उसको क्रेडिट भेज दिया. किसी की आपको म्यूजिक अच्छी लग रही है तो वो पोर्शन म्यूजिक में भेज दे. यू कैन डिवाइड योर क्रेडिट पॉइंट्स एंड सेंड इट. दैट इज कॉल्ड आर्टिस्टिक फ्रीडम वाउचर. दोज वाउचर्स आर विद द कंज्यूमर एंड द वाउचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द आर्टिस्ट. सो दीज आर ऑल्टरनेट्स टू द सिस्टम ऑफ DRM. मूविंग अहेड, ये बहुत सारी चीजें अब एवरीडे इनोवेशन में आ रही हैं. तो मुझे उम्मीद है कि पेरुमल जी ये जो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये बार बार करें, क्योंकि अगले बार तक कुछ नई डिवाइस आ जाएगी और आप लोग बार बार आएं, शायद मेरा वो सपना भी पूरा हो जाए, कोई वीडियो बना के कहीं कुछ हो जाए. नाउ एग्जांपल्स ऑफ DRM.
कहां कहां ये डीआरएम कैसे यूज होता है और कैसे उसका बेनिफिट होता है। नाउ अमेजॉन, आप देखिए बहुत बड़ी एक वेबसाइट है, मार्केट है अमेजॉन का, एंड दे आर कमिंग विद एवरी डे न्यू प्रोडक्ट्स, एंड आई हैव समवेयर रेड दैट जेफ बेजोस, हु इज द ओनर ऑफ अमेजॉन, हैज सरपास्ड बिल गेट्स, सो नाउ ही हैज बिकम द richest पर्सन ऑन द अर्थ बाय जस्ट ब्रिंगिंग दीज न्यू कंसेप्ट्स एंड हैविंग अ प्रॉपरली प्लेस्ड डीआरएम ऑन हिज प्रोडक्ट्स। 2009 जुलाई में अमेजॉन ने अपने वेबसाइट से जॉन ऑरवेल्स की 1984 एंड एनिमल फार्म नाम की दो बुक्स विड्रॉ कर ली। और कमाल की बात देखिए कि अमेजॉन का एक प्रोडक्ट है किंडल। नाउ किंडल इज अ हार्डवेयर, पर उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर यू कैन ओनली परचेज थ्रू अमेजॉन। आपने वो हार्डवेयर खरीद के सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर कहीं और से लूंगा तो नहीं चलेगा। सो द हार्डवेयर इज वेडेड टू अ सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल ओनली इन अमेजॉन। तो किंडल पर अपलोड किए जाने वाले बुक्स, एंड किंडल हैज इट्स ओन लाइब्रेरी, सो ऑल योर लाइब्रेरियंस मे नो दैट, उनकी अपनी लाइब्रेरी से कोई बुक आपको परचेज करनी है तो आप पेमेंट देते हैं, वो बुक किंडल पर डाउनलोड करते हैं, वो पढ़ते हैं और आप अपनी लाइब्रेरी में उसको स्टोर कर सकते हैं। पेमेंट देने के बाद 1984 एन एनिमल फार्म जॉन ऑरवेल की, जिन्होंने खरीदी, वो गायब हो गई। इवन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट पीपल रियलाइज दैट दीज टू बुक्स वैनिश्ड। सी द कंट्रोल ऑफ डीआरएम, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, पीपल रेज वॉइस दैट हाउ दैट बुक वैनिश्ड विच आई परचेज लीगली, एंड दैट्स वेयर दिस apology came that unfortunately they said that John Orwell's books were unauthorizedly uploaded. That at the first place they did not seek permission, and maybe those books of 1984 and Animal Farm were copyrighted products. And in their zeal they uploaded the copyrighted product without getting the proper permissions and without paying the royalty. So that is why they apologized that this has happened, and various kind of offers were later given that in substitute of those books we can provide this. Another example is after Amazon, if you see one more example which comes into light is Sony BMG, which installed rootkit named software. Once a rootkit is created, now what did it? It did it that those people who had Sony BMG products, they were very vulnerable, because whenever the company wanted, they can manipulate their product, and that is why there was class action suits were filed against Sony BMG, and they had to finally apologize and had to restore things, pay back cashbacks and multiple offers. The third example is, another example if you see is Microsoft, which had a support system called Zune, which they later developed into a Play for Sure. Now those who had purchased Zune did not work on Play for Sure. So Zune became obsolete. So there's obsolescence is also there, and these examples of DRM being cultivated again and again, because once they brought Zune, you purchase Zune, then they brought Play for Sure. So there are multiple methods of DRM which is being invented.